क्या तो कोई है ना बाबा बाबा ब्लैक सी बेबी वन बुल यस सर थ्री बैक्स फुल वन फॉर माय मास्टर वन फॉर माय टाइम वन फॉर द लिटिल गर्ल टू लिफ्ट आउट हिज लाइन। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और झारखंड में राजनीति काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी राष्ट्रपति चुनाव के बाद, जिसके बाद यहां पर कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे भी पहुंचे हुए हैं क्रॉस वोटिंग के मामले को समझने के लिए और क्या क्यों आखिर विधायकों ने अपनी विचारधारा बदली और द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट दिया, अपना वोट दिया, इस पर भी चर्चा करने के लिए। आपको बता दें कि कई मुद्दों पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बातें रखी हैं, आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है उनका। प्रभारी महोदय ने जिन बातों को पूछा वो पार्टी के हित की बात है, पार्टी के कैसे आगे भविष्य में पार्टी और कैसे मजबूत होगी आदि आदि विषय पर उन्होंने हमसे सुझाव मांगा, हमने सुझाव दिया। क्या क्या सुझाव दिया आपने? सुझाव दिया है कि जनता के लिए आंदोलन करना है, जनता के लिए काम करना है वगैरह वगैरह ETC। आप पूछेगा वो उनसे पूछिए कि वो लोग अपना जो कीमती समय है जनता ने उनको चुनाव में जिताया है, तो जनता के मुख्य मुद्दों से विपक्ष किस तरीके से सरकार को घेरेगी, क्या उनके पास कोई रणनीति है, क्या आइडिया है? वो सिर्फ हंगामा करेंगे। वो बोल रहे गौ तस्कर का संरक्षक दे रहे बन्ना जी, उसके बाद अरे भैया हम तो गोपालक है, आप दे ना मेरे घर में, देखिए दो दो गैया रखे हैं। अरे पकड़ी है तो ईडी ने पकड़ी है, तो जो पकड़ के जो कार्रवाई करना है होगा, उसमें ये बट क्या है। अच्छा, पार्टी का तो ना मैं अधिकृत अध्यक्ष हूँ, ना मैं CLP लीडर हूँ, ना पार्टी का प्रभारी हूँ। प्रभारी जी आए हुए हैं, अध्यक्ष जी मौजूद हैं, CLP साहब मौजूद हैं। यू आस्क दैट क्वेश्चन ओनली दोज पर्सन हु आर द अधिकृत, इंग्लिश में क्या बोलते हैं अधिकृत, ऑथराइज पर्सन। अच्छा, एलिजिबल ना ऑथराइज। अच्छा एक चीज बताइए ना, आप क्रॉस वोट किए, व्हाई आई आइडेंटिफाई, आई एम नॉट एनी एजेंसी, हम क्यों, हम अधिकृत हैं क्या कि कोई हम दरोगा है, इंस्पेक्टर है, कि हम क्या है जो हम ये करेंगे? कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है, आपको लग रहा है? हाँ, विविधता में एकता है। अच्छा, विपक्ष की तैयारी, उनका सम्मान हर व्यक्ति को करना चाहिए, करना ही होना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अब यदि आदमी गलत करेगा, यदि CRPC IPC का वायलेशन करेगा, देश के संविधानिक संस्थाओं का अपमान करेगा, या कोई ऐसी काम जो हमको संविधान ने शक्ति नहीं प्रदत्त की है, और वो काम यदि करेगा तो ऑब्वियस उसको उसका सजा भुगतना होगा। अच्छा, आपने यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखा है कि जिस तरीके से मानसून सत्र में क्या कुछ चर्चाएं होनी है। अगर हम बात करें क्रॉस वोटिंग की, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रभारी सभी लोगों से 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं क्रॉस वोटिंग को लेकर के, और मुख्य रूप से इस मुद्दे पर वह स्पष्ट जवाब मीडिया को दे सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे ईडी की, तो ईडी की भी जो दबिश लगातार सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर देखने को मिल रही है, उस पर भी अपनी बातों को उन्होंने रखा है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।